दोस्तों, यूनेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कल यूपी पीसीएस डीएचओ का जो प्री हुआ है उसका हम लोग यहाँ पर आंसर की देखेंगे, क्योंकि कल ही मैंने आप सबको कहा था कि कल 10 बजे तक चैनल पे इसका आंसर की आ जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आप सबको बता दें मैं हड़बड़ी में आप सबके पास जो है गलत आंसर के साथ ये वीडियो नहीं लाना चाह रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन थे इतने भी ईजी नहीं थे। जीएस थोड़ी देर के लिए तो हम कह लेंगे कि मॉडरेट था, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारे आंसर को। और आप सबको बता दूं कि अगर आप पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे सेशन को और देख लेते हैं एक एक करके सभी आंसर को और उसका सभी क्वेश्चन को और उसका आंसर देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका मिल्क फीवर डिजीज इन काउज एंड बफेलोज इज कॉज्ड ड्यू टू, इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता दें इसका राइट आंसर बी होगा, कैल्शियम डिफिशियंसी। फिर हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तारापुर, आंसर डी। तो आप सबको एक और बात बता दें कि ये जो है मेरे पास क्वेश्चन सेट डी है और इसका जो है आपके पास जो भी सेट हो आप यहाँ क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 1 yard इज 91% ऑफ ए मीटर, व्हाट परसेंटेज 1 meter ऑफ 1 yard, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा बी 109.9%, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट ऑप्शन बी होगा। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 का वो होगा आपका सी नागपुर, ये होगा इसका राइट ऑप्शन सी। और हम फिर देखते हैं, आप ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है आपका इकोनॉमिक से गिनी कॉफिशियंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन एन इकोनॉमी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इनकम इनइक्वालिटी के लिए होता है, ये जो गिनी कॉफिशियंट होता है वो आपका इनकम इनइक्वालिटी के लिए होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मीट्स द बॉर्डर विथ उत्तराखंड हरियाणा हिमाचल प्रदेश, कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो आपका उत्तराखंड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को टच करता है, तो ये जो जिला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा सी सहारनपुर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नेम इज गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस, तो ये जो है एकदम करंट का क्वेश्चन है, आप ये इस सब के लिए आपको हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है WHO ने जो है यूनाइटेड किंगडम वाले वेरियंट कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन अल्फा, इसका जो नाम है वो अल्फा दिया गया है WHO के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का इस समय से कौन सा एजेंट नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो कि सॉइल इरोजन का एजेंट नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डेजर्टिफिकेशन, बाकी सब इसका सॉइल इरोजन का एजेंट है विंड वाटर डिफॉरेस्टेशन, तो आप सबको बता दें इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। तो दोस्तों, ये आप अपने क्वेश्चन के साथ मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बीन सेलेक्टेड फॉर वुडन टॉयज मेकिंग अंडर द स्कीम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो देखिए यूपी स्पेशल के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं और ये आपको बता दें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो स्कीम है उत्तर प्रदेश का, इसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा नेट पे, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अवेलेबल करा दूंगी। ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी अभी उत्तर प्रदेश में पेपर होंगे, तो इसमें जो है वुडन टॉयज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है चित्रकूट, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट मार्स रोवर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी जुरोंग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा जा रहा है द मिसिंग नंबर इज इन द गिवन फिगर इज, तो इसको जो है हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 17, तो आपको इसको मिलाते जाइए।
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर जो है इसमें कौन सा जो है स्टेट है और इसके जो फाउंडर है वो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन को छोड़ के बाकी जो तीन है वो करेक्टली मैच कर रहा है। अवध का जो फाउंडर है वो बुरहान उल मल्क है, हैदराबाद का चिन क्लिंच खान, बंगाल का मुर्शिद कुली खान, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, रोहिलखंड जो है वो सादत खान जो है इसका फाउंडर नहीं थे, और ये इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 इंडिया रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये एकदम जो है करंट से क्वेश्चन आया है, इसका राइट आंसर होगा आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फूड मेगा पार्क इन इंडिया इन जून 2021। देखिए एकदम करंट से क्वेश्चन आया है, जून से क्वेश्चन आया है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो आप यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसका, तो वैसे आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो राइट आंसर मेहसाना होगा, लेकिन यहाँ पर गुजरात दिया हुआ है, गुजरात में खुला है, तो आपको अगर गुजरात ऑप्शन भी याद है तो आप ये देख करके फनीदर यहाँ पे इसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है, हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड इंडियन सोशल रिफॉर्मर इन 1890। ये आपका आ गया मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन, आप इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, के एन नटराजन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स एंड थ्री एंड सम ऑफ द देयर स्क्वायर्स इज 12 देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू। इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। इन विच अगला जो क्वेश्चन है आप ये देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पर है, यहाँ मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश्ड किया गया है उत्तर प्रदेश के, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में। अब हम लोग फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी है और इसके हेडक्वार्टर है, तो आप सबको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा आपका, चलिए हम एक एक करके पहले देखते हैं, ये अंबेडकर नगर जो है इसका हेडक्वार्टर अकबरपुर, और यहाँ पर दिया हुआ है कानपुर देहात का, तो ये जो आपको बता दें, आपको ये सबका रटना जरूरी है, बिधुना नहीं होगा, बाकी संत कबीर नगर का खलीलाबाद होगा, अमेठी का जो है गौरीगंज होगा, और कानपुर देहात का जो है आपका ये बिधुना नहीं होगा, कानपुर देहात का जो है वो माती होगा, तो इसका जो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अब हम चलिए आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, वो स्पोर्ट्स से आया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नोवाक जोकोविक एंड स्टेफेनोस सिसिपास द टू प्लेयर्स हु प्लेड इन द फाइनल्स ऑफ द मेन सिंगल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 आर फ्रॉम विच टू कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19 का वो होगा आपका ए, ये दोनों जो है प्लेयर वो बिलोंग करते हैं सर्बिया एंड ग्रीस से, तो इनका पूछा गया है कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप 20 ये देख सकते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, इसमें से जो है आपका कौन सा इंसेक्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, तो आप सबको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइडर जो है वो आपका इंसेक्ट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, 100 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो आपका 100 अमेंडमेंट जो है वो है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, इससे रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मऊ।
यहाँ पर जो है आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो सारे एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से रटने की ज़रूरत है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, क्योंकि इस एग्जाम में भी आप देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूछा गया है, क्रिकेटर सुरेश रैनास ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2021 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, किस नाम से जो है सुरेश रैना का ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलीव नाम से पब्लिश हुआ है। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलॉइड फाइबर, जो है आपका ये नॉन सेलुलॉइड फाइबर जो है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाइलॉन, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा इज, तो देखिए आप सबको बता दें ये जो क्वेश्चन है आपका करंट से आया है और इसका अगर आप आंसर करेंगे तो वैसे भी आप इसको गलत कर लेंगे, क्योंकि ये रिजर्वेशन अब हटा दिया गया है और इसलिए आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अब ये रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है और इसका राइट आंसर 0 होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज इज हाईएस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका जो रॉकेट जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा बी, मोमेंटम कंजर्वेशन पे ये वर्क करता है। दोस्तों आप सबको बता दें इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे 4-5 के मैंने नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे डाउटफुल था तो मैंने उसको छोड़ दिया है। उसके लिए कोई बात नहीं, जब आयोग का ऑफिशियल की आएगा वहां हम लोग देख लेंगे। तो जितने भी मेरे से बन पाए हैं मैंने कर दिया है सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, यहां पर फिर फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा, कहीं कोई गलती हो जहाँ भी लगे कि हाँ मैंने गलत आंसर किया है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और उसको सुधारने की मैं कोशिश करूँगी। तो 29 जो है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, विथ रिफरेंस टू द पीरियड ऑफ महाजनपदाज रिफर्ड टू इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी रूल्ड अवंती, ये जो क्वेश्चन है आपका एंशियंट हिस्ट्री से आया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो है अवंती जो महाजनपदा था उसका रूलर, उस डिनेस्टी का रूलर कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रद्योत। अब है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, नीति आयोग से ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो 7 पिलर होते हैं वो आपको याद रखना जरूरी है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इम्पावरिंग, इंक्लूजन, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो इस सब में जो है देखिए प्रो पीपल, पार्टिसिपेशन, इम्पावरिंग ये है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है जॉब क्रिएशन, ये नीति आयोग के 7 पिलर में नहीं आता है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका इसको ये प्रॉफिट लॉस से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, जिसको कि सॉल्व करने के बाद जो है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 50,000। तो आप इसको मिला लीजिएगा अपने आंसर से। और क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वोन द अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, जो है कौन सी मूवी को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड, फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराकर लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ये इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ सेलाइन सॉइल, तो इसका राइट आंसर बहुत ईजी है, ये सब जानते होंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश होगा। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नंबर जो 34 है वो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ये देख रहे हैं ये जो है मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द नंबर ऑफ ऑडियंस इन ए मेजर, ये आप देख रहे हैं ये जो आपका है मैथ से क्वेश्चन आया है, इसको हमने सॉल्व किया है, उसके बाद जो इसका राइट आंसर है वो हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इसको आप मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर 285 आ रहा है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सबको बता दें काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं जो सॉल्व करके जो आंसर आया है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ शॉर्ट में, आप मिला लीजिएगा अपने आंसर से। 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका, बता दें 36 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। 37 का है विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए पैरासिटिक फूड चेन, में जो इसका नंबर होता है ये किस तरह का ये होता है, विच वन ऑफ द फॉलो। अब जो है क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है विच एमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए पैरासिटिक फूड चेन, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 37 का वो होगा डी, इन्वर्टेड। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टोल फ्री नंबर इज एलोकेटेड फॉर किसान कॉल सेंटर, देखिए किसान कॉल सेंटर के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए 1800 180 1551, ये किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर है। अब जो है अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 39, मैथ से ही क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसका जो है हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज शेयर्ड बाय टू इंडियन स्टेट्स, दो इंडियन स्टेट का जो है बाउंड्री शेयर करता है कौन से लेक को, तो इसका राइट आंसर होगा पुलिकट लेक, इसका जो है दो स्टेट आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु, दो स्टेट का बाउंड्री जो है इसको टच करता है ये पुलिकट लेक, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब ये आपके हो गए 40 क्वेश्चंस पूरे जीएस के। अब जो क्वेश्चन है वो आपका ये सारा क्वेश्चन आपको बता दे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके सारे के आंसर देख लेते हैं और आप लोग भी मिला लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर तो बस आयोग ही दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो आपका देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है एच ए एन पी वी इज यूज फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ, तो 42 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का बी, ग्राम पॉड बोरर के लिए जो है इसको हम लोग एच ए एन पी वी को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन नंबर 43 में, तो देखिए आपको बता दें यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट दिए गए हैं वो सब सही है, बस एक है इसमें से जो गलत है जो कि आपको करेक्टली मैच्ड नहीं है, वही आपको यहाँ पर ढूंढना है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो NBAIR जो है आपका कोयम टूर में नहीं है, ये बैंगलोर में है, तो ये जो है बी वो आपका सही नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में भी जो फिर मैच करने वाला ही आ गया है, यहाँ पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड नेम ऑफ डिजीज और रिलेटेड क्रॉप, कौन सा जो डिजीज है वो कौन से क्रॉप के लिए यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, तो आपको बता दें जितने भी डिजीज है ये सारे क्रॉप के लिए है, इसमें से बस एक है जो कि रॉन्ग दिया हुआ है, तो वो जो डिजीज़ है आपका ये कौन सा डिजीज़ होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चारकोल रॉट जो है वो सुगर केन में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए जो है आपका वो रॉन्ग है। फिर हम चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो एड, इसमें जो है ऑडियो एड कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 45 का डी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। अब हम 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रीपोनिक्स, न्यूट्रीपोनिक्स क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट्स, इसको हम लोग न्यूट्रीपोनिक्स कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस ऑफ, सिंधु जो है किसका क्रॉस है ये आप सब जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर जो है सी, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है सिंधु वेराइटी मैंगो का।
अब जो है ये क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर 48 जो है ये पूछा जा रहा है, आप ये देख रहे हैं इसका, इसको सॉल्व करने एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो, मैंगो का डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी, अर्का सुप्रभात, ये जो है आपका ये डबल क्रॉस हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो है, ये अर्का सुप्रभात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबने किया होगा, इसका राइट आंसर है सॉइल प्रोफाइल, ये आप सबने किया ही होगा। अब हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर ये क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो उसमें कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग एस्टिमेट्स इन पैडी क्रॉप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू द, ये कौन से जोन में किया जाता है, पैडी क्रॉप में फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है कौन से जोन में होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी रिड्यूस जोन में, तो इसीलिए जो है इसका बी ऑप्शन सही होगा, ओनली टू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 अब हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रूट्स हैं और इसके वेराइटी पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर भी मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट, जो यहाँ पर आपके सही है वो उसको सेलेक्ट करना है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 52 जो है उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ये सब जो है किसका कौन सा वेराइटी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आपको बता दें कि देखिए इसमें है जो वेराइटी की हम बात करेंगे तो आंवला जो है उसका वेराइटी होगा हाथी झूल, फिर आपका बनाना का जो वेराइटी है वो हो जाएगा हरी चल, और चीकू का वेराइटी जो है वो खीरा, और बेर का जो वेराइटी है वो बेंगलोर हो जाएगा, तो इस तरह से जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जो है और बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये थ्योरी और इनके जो है इन जिसने इसका वो किया है इन्वेंट, यह साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, यहाँ पर जो है सारे थ्योरी दिए गए हैं और नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो आप यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सही ढंग से क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको फंसा मतलब एकदम फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे जो जो थ्योरी है उसके सामने ही इसके साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया है अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए जेनेटिक्स जो है वो बार्टसन ने दिया था, फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने, म्यूटेशन जो है आप ये सब जानते हैं ह्यूगो डी वायरिस ने, और जीन्स इन द क्रोमोजोम्स ये मॉर्गन ने दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 53 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 54 आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 54 और 55 जो है इसका राइट आंसर मैं नहीं निकाल पाई हूँ, मुझे नहीं इसको समझ में कुछ आया है तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, 54 और 55 को हम लोग स्किप कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, आप लोग को अगर पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है, मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मेनी क्रॉप्स बिकॉज, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इट इज ए मींस ऑफ जेनेटिक इमैस्कुलेशन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 56 का। फिर 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ, ये कौन से स्टेज पे बेबी कॉर्न को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 to 3 डेज आफ्टर सिल्किंग।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ सीजन वीट। इसमें पूछा जा रहा है कि इस सब में से कौन सा है जो खरीफ सीजन वीट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चेनोपोडियम एल्बम। ये जो है आपका खरीफ सीजन वीट नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे पूछा जा रहा है विथ रिफरेंस टू फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूज कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें जो है 59 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब हम इसको जो है किस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस मार्केट एज पर द नंबर ऑफ सेलर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले मोनोपोली आएगा, फिर ओलिगोपोली आएगा, फिर उसके बाद आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन आएगा, फिर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 59 का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का भी मुझे ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आया। जो इसके ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगर आपको आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताइए और इसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपको देखेंगे 61। तो 61 में पूछा जा रहा है फ्रूट फ्लाई लेज एग्स अंडर द स्किन ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंपकिन। ये जो है फ्रूट फ्लाई जो है ये अपना एक जो है पंपकिन में ले करता है। तो इसका राइट आंसर आपका पंपकिन हो जाएगा 61 का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है अगर आपने इसको याद किया हुआ है तो। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका एस्टेब्लिश हुआ है क्वेश्चन नंबर 62 का। तो आपको बता दें इसमें जो है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है इसका जो है एक मिनट 62 का आपका राइट आंसर इसका ये जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो बहुत सही है। यहाँ पर जो है आपका पूछा जा रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर जो है कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें जो है आपको बता दे इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 का, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि वो कौन कौन से यहाँ पर किस किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है और ये कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है वो आपका 1935 में हुआ था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आप सबको आइडिया होगा 1965 इसके सामने ही इसका ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इन सब टाइप के क्वेश्चंस को इसको पकड़ने के लिए हमें एक से दो जो है की पकड़ना होता है जो कि एकदम से आपको याद हो। जैसे FCI का सबको याद है 1965 इसका राइट आंसर होगा FCI का। और उसके बाद जो है आपका देखिए और सी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसका जो है 1947 में हुआ था। कोडेक्स एलिमेंटेरियन कमीशन जो है वो 1963 में हुआ था। तो इस तरह से जो है आपका इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमंग द फॉलोइंग लाइमिंग मटेरियल हैज हाईएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू। तो इसका जो किसका न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम ऑक्साइड का। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल टैक्सोनॉमी मीडियम ब्लैक सॉइल्स आर ग्रुप्ड इन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सब जानते होंगे। 64 का राइट आंसर होगा आपका वर्टिसोल्स। ये जो है अकॉर्डिंग टू सॉइल टैक्सोनॉमी ब्लैक सॉइल्स आर ग्रुप्ड इन वर्टिसोल्स। तो ये सबको पता है क्वेश्चन नंबर 64। आप ये देख सकते हैं नेम ऑफ इंसेक्ट्स और इसका ऑर्डर पूछ रहा है, इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो ये जो जितने हैं ये सब सामने सामने लिखा हुआ है मैच्ड है, बस इसमें से एक है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा 65 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाउस फ्लाई जो है इसका ये नहीं होगा जो इसके सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। यहाँ पर जो है इसका पूछा जा रहा है कि ये डिजीज़ का नाम दिया गया है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड गिव सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो ये डिजीज़ है और उसको कौन से इससे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका राइट आंसर होगा।
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है ATIC इज कंपोनेंट ऑफ 67 का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे 68 में द मोस्ट यंग एलुवियल सॉइल्स आर लोकली कॉल्ड एज, तो ये आप सब जानते हैं इसका राइट आंसर खादर होगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है लीची प्लांट्स आर कॉमर्शियली मल्टीप्लाइड बाय, 69 का जो राइट आंसर है वो आप सबको पता है कि एयर लेयरिंग। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 अब हम लोग देख लेते हैं उसका जो क्वेश्चन नंबर 70 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ कहा जाता है विथ रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ इसका एक ही जो है यहाँ पर करेक्ट है, लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाई ए नन लेग्यूम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर पूछा जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो 72 का जो राइट आंसर है तो इसका ये जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप सब मिलाते जाइए, जितना भी मैं इसका आंसर बता रही हूँ ये बिल्कुल सही है और बहुत जगह से वेरीफाइड करने के बाद मैं आपको यहाँ पर सबका आंसर बता रही हूँ। 73 में पूछा जा रहा है बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज इज, तो यहाँ पर 73 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोस्ट्रीडियम पास्टोरियम, इसका जो है ये राइट आंसर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर जो है यहाँ ये है मैच करने वाला ही क्वेश्चन फिर से आ गया है, मैच वन विथ लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर जो है कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 74 इसका जो राइट आंसर है आपको बता दें, ये इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर सी ही होगा, इन्होंने जिन्होंने भी लगाया है ये बहुत सही आंसर लगाया है। तो इस अब हम लोग 75 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन इज, जो है सॉइल इरोजन का मोस्ट डैमेजिंग ये जो होता है कौन सा होता है फॉर्म, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटरफॉल इरोजन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 विच बीडीसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीव बीट्स इन लेग्यूम्स, कौन सा बीडीसाइड यूज करते हैं इसके लिए, तो 76 में जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MCBP। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं विच सॉइल हैज हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी, ये इसका आंसर आप सबको पता होगा ये होगा लोमी सॉइल। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉप डॉगलास यहाँ पर जो है इसका ये राइट आंसर होगा, हैज प्रोपाउंड दैट आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर 79 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है क्रॉप और इसका इंसेक्ट पेस्ट पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा क्रॉप इसके साथ इस इंसेक्ट पेस्ट जो है वो नहीं इसमें यहाँ पर मैच करेगा, तो यहाँ पर 79 का जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 79 का जो है ऑप्शन नंबर बी, सुगर केन जो है ब्राउन प्लांट होपर, इसका इंसेक्ट पेस्ट जो है सुगर केन का नहीं है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं मैच द फॉलोइंग एक्सटेंशन स्कीम विद स्टार्टिंग ईयर, फिर यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 80 में कि ये सारे स्कीम दिए गए हैं और इसका स्टार्टिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको आप मिला लीजिएगा। फिर यहाँ 81 में पूछा जा रहा है रगिंग इज परफॉर्म टू, तो यहाँ पर 81 का जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिमूवल ऑफ प्लांट्स अदर देन द डिजायर्ड प्लांट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 82 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैन नॉट बी ये जो इसका राइट आंसर होगा 82 का निगेटिव नहीं हो सकता है,
ये होगा निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा 82 का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग देखिए, मोलिया डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, कौन से निमेटोड से होता है मोलिया डिजीज, 83 का जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोडेरा एवेन्यू एवेनी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द इरिगेशन एफिशिएंसी इन चेक एंड बेसिन फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 42-45%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, 85 में है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आप यहाँ पर जो है इसका 85 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर जो है उसका ऑप्शन 85 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2413। इसको आप यहां पर मिला लीजिएगा इस तरह से, इसका जो राइट आंसर है टू बी। इसको मैंने यहाँ पर सबको सॉल्व करके रखा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इस पे बताने में, तो गाइज आप यहाँ पे चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से यहाँ पर जो है ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए UPPCS बराबर ही पूछता है ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जा सके, तो इसमें जो है आपका एकदम नॉलेज जो है डीप में होना ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर से, ये क्रॉप और डिजीज़ कौन सा जो है ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो है 86 का होगा बी, ब्रिंजल का जो है रेड रॉट जो है ये ब्रिंजल का डिजीज नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं, ये सुगर केन का होता है। अब हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें पूछा जा रहा है गैलेरिया मेलोनेला इज ए इंसेक्ट पेस्ट ऑफ, 87 में ये जो इंसेक्ट पेस्ट है किसका है, 87 का राइट ऑप्शन होगा हनी बी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 88 जो है एट पीएच 9 ऑफ अल्कली सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 88 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 89 आप देखिए, यहाँ पर जो है ये प्लांट है और इसका प्रोपेगेशन मेथड दिया हुआ है सामने, तो कहा जा रहा है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है ये बहुत सारे प्लांट, ये सारे प्लांट दिए गए हैं और इसका जो है आपका ब्रीडिंग मेथड दिया गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए जो ग्रैप्स का जो है प्रोपेगेशन मेथड जो है वो होता है हार्डवुड कटिंग से ग्रैप्स को किया जाता है, फिर बनाना जो है उसका होता है सोर्ड सकर होता है, फिर टी का आपको पता है कि ये सॉफ्ट वुड से होता है, और स्ट्रॉबेरी का जो है ये रनर होता है। तो इसका इस हिसाब से जो है 89 का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, यहाँ पर जो है फंगल ये कहा जा रहा है, इसमें भी फिर मैच करने की बात आ गई क्वेश्चन नंबर 90 में, तो चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं सबको, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 90 जो है यहाँ पर फंगल जीनस और फ्रूटिंग बॉडीज दिया गया है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, तो इसका जो है 90 का जो है राइट आंसर जो है आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर आप यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैनो न्यूट्रिएंट, 91 में कहा जा रहा है नैनो न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मॉलिब्डेनम होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 92, फ्लेम फोटोमीटर इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, 92 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 92 का सी, पोटेशियम के लिए यूज करते हैं। 93 का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर वाज लोकेटेड एट, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बीकानेर होगा। फिर है यहाँ पूछा जा रहा है सेंट्रल एग मार्क लैब इज लोकेटेड एट, जो आपका सेंट्रल एग मार्क लैब है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका ये इसका नागपुर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर पूछा जा रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड एच, 94 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंट्रामोलिकुलर रिस्पायरेशन। फिर पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द सॉइल कॉम्पोनेंट इज हाइएस्ट सी ई सी, सबसे ज़्यादा सी ई सी किसका होता है, तो यहाँ पर जो है 96 का होगा डी ऑप्शन, ऑर्गेनिक मैटर का सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज फॉर कलर्ड जूस के लिए, ये तो आप सबको पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर है वो होगा सोडियम बेंजोएट।
अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैच वाला क्वेश्चन आ गया, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे जीन एक्शन और इसका रेशियो पूछा जा रहा है 98 का। तो 98 का जो आपका राइट आंसर होगा 98 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 जो है ये आपका पूछा जा रहा है, आइसोलेशन डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। किसका आइसोलेशन डिस्टेंस जो है यह करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए कुछ, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ क्रॉप्स के जो है इंपॉर्टेंट उसका आइसोलेशन डिस्टेंस याद रखना होगा। तो यहाँ सर्टिफाइड सीट के लिए जो है आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये बाकी सबके सामने सामने दिया हुआ है। 99 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है कॉटन का 50 नहीं होगा सर्टिफाइड सीट के लिए, ये अलग होगा, ये जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब यहाँ पे जो है वो सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में कहा जा रहा है, द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर प्रैक्टिस्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ टोबैको द करेक्ट सीक्वेंस। इसका जो है सीक्वेंस किस तरह से होता है इसमें टोबैको में, क्वेश्चन नंबर 100 में। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, आप सब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले टॉपिंग होता है, फिर डिसकरिंग होता है, फिर आपका जो है ये प्राइमिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 1। पहले टॉपिंग, फिर उसके बाद डिसकरिंग, फिर प्राइमिंग। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, क्लास ऑफ सीड और कलर ऑफ टैग, यहाँ पर जो है सीड और उसका जो है टैग पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 101 में। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग और इसमें है विच ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो इसमें देखिए आपका 101 का जो है राइट आंसर होगा 1, सिर्फ पहला और दूसरा जो है वो आपका करेक्टली मैच कर रहा है, ब्रीडर सीट और फाउंडेशन सीट का। फिर यहाँ पर यह जो है दोनों मैच नहीं कर रहा है। आपको इस अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो राइट आंसर है वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 102 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ जैंथिन इन कैटलाइज्ड बाय जैंथिन डीहाइड्रोजिनेज कंटेंस, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का जिंक। क्वेश्चन नंबर 104 में जो है प्लांट्स नेम और इसका फ्लावर का कलर पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें इसका जो है राइट आंसर 104 का जो होगा आपका, ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको मैं बहुत कोशिश की लेकिन इसका राइट आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आप सबसे कहूँगी कि आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो तो, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है हर्बिसाइडल ग्रुप और मेजर प्रोसेस अफेक्टेड बाय हर्बिसाइड। तो यहाँ पर जो है ये सारा हर्बिसाइडल ग्रुप का नाम दिया हुआ है और तो इसका जो राइट आंसर होगा 105 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 105 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है फिर मैच वाला ही है, ये इंडिकेटर क्रॉप है और इसका जो है कौन किसका ये जो है इंडिकेटर क्रॉप और सीलेज क्रॉप एवेन्यू क्रॉप किसको कहते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो 106 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर बी। 106 का और राइट ये जो होगा वो 106 का बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डैमेजिंग स्टेज ऑफ एफिड। तो इसका जो राइट आंसर है 107 का वो हो जाएगा सी एडल्ट एंड निम्फ। 108, विच ऑफ मटेरियल कंटेंस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट। फिर है मैच ऑफ द फॉलोइंग विद करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है सब में सारे प्रोडक्ट के नेम है और उसमें कौन सा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ये आप लोगों को जो है इसको पता ही होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 109 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन नंबर डी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पे जो है देखिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पूछा जा रहा है, फिर से ये मैच करने वाला आ गया करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फिर ये जो है कम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटिटिव, सप्लीमेंट्री और ज्वाइंट, तो इसको भी मैच करने के बाद जो है इसका आंसर, इसका जो है सही ऑप्शन जो है 110 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिसिनेस इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू, ये कौन से क्रॉप का डिसऑर्डर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 111 का ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर इसका आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 112 जो आप है ये देख सकते हैं, ये भी मैच करने वाला है, ये जो सारे कंडीशन दिए हैं इसके एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये है फ्लोटिंग इक्वेटिंग बीड, इमर्जेंट इक्वेटिंग एक्वेटिक बीड, मार्जिनल एक्वेटिक बीड, एब्सोल्यूट बीड, तो इसका जो है आपका राइट आंसर 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये है विच इज़ एन इलिस्ट्रेशन ऑफ रिले क्रॉपिंग, क्वेश्चन नंबर 113 जो रिले क्रॉपिंग से क्वेश्चन आया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ग्रासी सूट डिजीज ऑफ सुगर केन इज कॉज्ड बाय, जो है ये बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत कर लिया है, तो बता दूँ ग्रासी सूट डिजीज ऑफ सुगर केन जो है ये किसके कारण होता है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा, 113 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 जो है यहाँ पर जो है ये आपका क्रॉप का नाम दिया गया है और उसका सेंट्रल ऑफ ओरिजिन पूछा जा रहा है 115 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 116 विच मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप, तो इसका जो है 116 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 117 में नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट, तो ये जो है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपका सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, तो इसीलिए इसका जो कोई भी ऑप्शन नंबर नन ऑफ द दीज, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया ही नहीं है, देहरादून, लखनऊ, पंतनगर है, जबकि आपका जो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो आपको न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर यहाँ पे 118 में कहा जा रहा है बॉल्टिंग इज रिलेटेड टू, ये कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, बॉल्टिंग जो है वो कौन से क्रॉप से रिलेटेड है, तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुगर बीट, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 119 में ये टाइप ऑफ टेस्ट है और इसका यूजेस है, फिर ये मैच करने वाला क्वेश्चन है, तो 119 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, तो इसका जो है राइट आंसर आपका और 120 का जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों ये मैंने पूरा जो है आपको यहाँ पर इसका आंसर बता दिया, इसको सॉल्व करके इसको मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद सबका आंसर मैंने कोशिश किया कि बहुत आपको एकदम सही आंसर बताऊं जिससे कि कट ऑफ पता करने में आसानी हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको सभी क्वेश्चन का सही आंसर मिल गया होगा, 3-4 को छोड़ के, जहां भी अगर आपको लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका जो है इसके आंसर का की का आपको PDF चाहिए तो भी आप लोग मुझे कमेंट के बताइए, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी इसके पूरे PDF को। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो लेकिन क्या करें, सभी क्वेश्चन का आंसर बताना था, तो आप लोगों को अगर वीडियो जरा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।